बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी का बयान, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा केवल फांसी या उम्र कैद। सुनील शेट्टी ने कहा, हीरो होने के नाते यही सोचता हूं, इस तरह का कृत्य करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। गुलशन ग्रोवर ने कहा, जो बेटियों को सम्मान नहीं देते वे उन्हें इंसान नहीं मानते। महिमा चौधरी ने कहा, बेटियों को केवल बचाना ही नहीं उनका सम्मान भी जरूरी है। रोहतक में हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर मिनी मैराथन, युवाओं से किया आग्रह, हरियाणा बने सबसे पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य। देश में हो रही छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं पर बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने कहा है कि ऐसे लोगों की सजा फांसी या उम्र कैद से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। वहीं बैडमैन कहलाने वाले गुलशन ग्रोवर ने कहा कि जो बेटियों का सम्मान नहीं करता वे उन्हें इंसान नहीं समझते। बॉलीवुड स्टार महिमा चौधरी ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि हरियाणा को महिलाओं के लिए बनाएं सबसे सुरक्षित राज्य। रोहतक में आयोजित मिनी मैराथन में भाग लेने के लिए आए बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने छोटी बच्चियों से हो रहे बलात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का शर्मनाक काम करने वालों के लिए फांसी या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भी बच्चों के लिए एक एनजीओ चला रहे हैं और खुद एक एक्शन हीरो हैं, लेकिन कोई इस तरह के कृत्य कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन बेटियों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी आज हरियाणा से निकले हैं। मैं तो कहूँगा सिर्फ फांसी और फांसी ही होनी चाहिए, और खास करके छोटी बच्चियों के लिए जब ऐसे किया जाता है, मेरे जहन में और कुछ आता ही नहीं है। मैं एक एक्शन हीरो हूँ तो सोचूंगा यही कि ये जो घिनौना काम ये लोग करते हैं वो सोच भी कैसे सकते हैं, और इसकी सजा फांसी और सिर्फ फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए। पढ़ाव आई थिंक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट्स है और हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मेरी अपनी एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन इंडिया, वहाँ भी हम बच्चियों को बेटियों को बेटियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटी अगर निकले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकले हैं तो हरियाणा से ही निकले, तो गर्व की बात है देश के लिए। मैं ये कहूँगा कि हमारा ही एक हिस्सा, मेरी पहली फिल्म में भी मैंने हरियाणवी का ही कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो लगाव हमेशा रहेगा। दूसरी ओर गुलशन ग्रोवर ने कहा कि जो बेटियों का सम्मान नहीं करता वे उन्हें इंसान नहीं समझते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बेटी बेटों से कहीं बेहतर है। बेटी को सम्मान, बेटी को प्रोत्साहन, इसके लिए लोगों को जगाने या उत्साह दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मन से होना चाहिए। जो इस बात को नहीं समझता मैं उसे इंसान ही नहीं मानता, कि इंसान वो है बेटी, फीमेल, स्त्री, और त्याग, सैक्रिफाइस, मैग्नानिमिटी, इसकी एक मूर्त है। इन सबको लोगों को, और जब हरियाणा में जो प्रयास हो रहा है वन आफ्टर द अदर, सरकार की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को हर तरह से प्रोत्साहन दो, वो वाकई सराहनीय है। और ख़ासतौर पे बेटी बेटे से बढ़कर है, बेटी बेटे से ज़्यादा अच्छी है, तो उसी में शामिल होने के लिए हम सब कलाकार बॉम्बे से यहाँ पर आए। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए रोहतक में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बॉलीवुड के कई नामी ग्रामी चेहरों ने भाग लिया। इस मैराथन में बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, यशपाल शर्मा, गुलशन ग्रोवर व खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने भाग लिया। वहीं बॉलीवुड स्टार महिमा चौधरी ने कहा कि बेटियों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने हरियाणा के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बनाएं। इस मैराथन में जो एक संदेश है वो है सम्मान देना, बेटी को सम्मान देना बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी भी आप अखबार उठाओ, आप इतने अत्याचार हो रहे हैं बच्चियों के ऊपर, मतलब कोई उम्र नहीं छोड़ी उन्होंने, 2 साल 3 साल 4 साल, तो सम्मान देना, सिर्फ उनको बचाना नहीं, उनको सम्मान देना, उनकी इज्जत करना।
करना, उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से जितने हमारे हरियाणा के स्टेट के जितने लड़के हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ और पूरी उम्मीद रखती हूँ कि सबसे पहले हरियाणा स्टेट सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमन एस्टैब्लिश होना चाहिए, मतलब औरतों के लिए सबसे अहम और सुरक्षित स्टेट। मैं सभी लड़कों को हरियाणा में ये अपील करती हूँ, सबसे पहले आपका स्टेट बनना चाहिए। और ये पूरी उम्मीद के साथ हम यहाँ मैराथन कर रहे हैं कि यहाँ औरतों को इज्जत मिलेगी और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में यहाँ वो शुरुआत कीजिए आप, ये आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये खुशी की बात है कि हरियाणा खेलों का गढ़ है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं से निकलते हैं और इस तरह का अभियान जारी रहना चाहिए। देखिए आज ये दूसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिले है, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि लोगों में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए भी और वैसे भी। और बहुत खुशी बात है कि हरियाणा खेलों का एक गढ़ है और सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं से निकलते हैं और ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्वास्थ्य सही रहेगा। उन्होंने रोहतक आए बॉलीवुड अभिनेताओं का स्वागत भी किया। नहीं, ऐसे कार्यक्रम करके खासतौर से नौजवानों को मैराथन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से सामाजिक लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ एक्टर भी आए, यहाँ खेल खिलाड़ी भी आए और पूरे रोहतक की धरती पर आए, मैं उनका पहले तो स्वागत करता हूँ। और स्वास्थ्य के जीवन के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम करके अपने जीवन के अंदर वो अपने आप को अपना तो स्वास्थ्य ठीक करते हैं, समाज और देश का भी नाम रोशन करते हैं।